जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल सीसीए न्यूज 24 के अंदर। मेरा नाम है दिनेश करकजैन कड़वे सवाल। आज की मीटिंग रखी गई थी, 8 जुलाई है आज, और एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी बसंत कुंज में की ओर से, और उसके जो प्रधान जी हैं, पहलवान जी भी यहाँ पे हैं और सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर थे, और साथ में पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से पूर्व सैनिकों के संगठन यहाँ पर पहुंचे थे। अच्छा लगा, एक अच्छी मीटिंग हुई और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट निकला है। सबसे पहले सर आपको जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मैं कैप्टन सुरेश सिंह, जनरल सेक्रेटरी वेटरन्स जीसीओज और वेलफेयर एसोसिएशन रोड पर। मेरा सवाल है सर आपसे कि आज आपने पूरी मीटिंग में आप मौजूद रहे थे, क्या मीटिंग को लेकर के आपने एनालाइज किया है, मीटिंग को लेकर क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या फैसले हुए हैं? मीटिंग को लेकर के हम यहाँ पर आए थे एक एकजुटता करने के लिए, जैसे वीर बहादुर सिंह जी भी आए हुए थे, सुरेंद्र पहलवान जी भी थे, हमारे भी जो और अलग अलग स्टेटस से जो प्रतिनिधि आए हुए थे। हमारा मकसद यही था, पहले से ही मोटो ये बना करके आए थे कि हम एक ऐसा संगठन तैयार करें कि जिससे ओआरओपी की जो एनोमलाइज हैं उसको हम सोल्व कर सकें। तो क्या रिजल्ट क्या निकला है एक होने के लिए? रिजल्ट ये निकला है कि पूर्ण सहमति हो चुकी है, और अर्जुन सिंह राठौर जी से भी बात हुई थी टेलीफोनी, और उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो अकेले बोला है मैं डिसीजन नहीं ले सकता, और अपनी जो उनकी कमेटी है उसमें वो अपना पॉइंट रखेंगे, और जैसे भी वो पॉइंट की उसमें सहमति हो जाएगी तो वो अपना जो है टेलीफोनिकली बता देंगे कि हम जो है इनके जो अभी नया एसोसिएशन मतलब बना है उसमें अपनी भागीदारी दर्ज करवाएंगे। आगे अभी एक कॉल दी है, जैसे वीर बहादुर जी ने 6 अगस्त की दी है, उन्होंने 23 जुलाई की दी है, उस कॉल को लेकर के आपका अपना क्या मतलब मत है, आपका विचार क्या है? हमारा मत ये है, हम 6 तारीख की कॉल के लिए हम एग्री हैं, हमने अपना समर्थन दे दिया है। अगर अभी हमने कॉल किया है उनको, अर्जुन सिंह राठौर जी को हमने कॉल किया है उनके लिए, अगर वो हमें कॉल करते हैं 23 तारीख के लिए, तो हम उनका पूर्ण सहमत करेंगे तन मन धन से, और जितनी भी हमारे से स्ट्रेंथ होगी हम उससे ज्यादा बढ़ करके जो है उसमें सहयोग करेंगे। देखिए वाकई मेरे दिल को छूने वाली इन्होंने बात कह दी कि जिस प्रकार से यहाँ से उनको कॉल गया है इस 6 अगस्त की कॉल को समर्थन देने के लिए, तो उनकी तरफ से भी सहमति जताई गई, और इन्होंने वाकई ये बात कही है कि अगर वहां से भी ये कॉल आती है कि जो 23 जुलाई को कॉल के लिए कहा है। पर्सनली मैं इनकी बात करूं, मैं अभी दिल्ली वैकेंसी की ये चीज नहीं कह रहा हूं, मैं पर्सनली इनसे बात कर रहा हूं कि अगर कॉल आएगा जी अर्जुन सिंह राठौर जी को, अगर हमसे समर्थन मांगना चाहते हैं तो हम तन मन धन से उनके साथ में रहेंगे। और वाकई ये चीज अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं जब एक संगठन होगा, एक मंच होगा, एक विचार होगा और एक लड़ाई होगी तो जीत अवश्य। कोई माइका लाल नहीं जो पूर्व सैनिकों की मांगों को ना मानवाए। जय हिंद जय भारत।